नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है 19 अक्टूबर का दिन। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे जहाँ से हर की पेड़ी का गंगा जल रोका जाता है, सुखाया जाता है, और साथ में आज हर की पेड़ी के भी दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे कितने श्रद्धालु आए हैं आज स्नान के लिए, दर्शन के लिए, और दिखाएंगे कितना जल है हर की पेड़ी में इस वक्त। बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस बैराज पे जहाँ से हर की पेड़ी का जल रोका जाता है। ये रहा वो बैराज, और इस बैराज का नाम भीमगोड़ा बैराज है, जैसे कि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये दोस्तों सामने देख सकते हैं, इस बैराज से रोका जाता है जल, और आगे की तरफ आपको माँ गंगा के दर्शन हो रहे होंगे। ये देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरे बंद हो रखे हैं बैराज, ये आगे तक सारे गेट क्लोज कर रखे हैं। देख सकते हैं जैसे कि हल्का हल्का जल निकलते हुए आपको जल दिख रहा होगा, क्योंकि हल्का हल्का जल छोड़ा जाता है हर की पेड़ी के लिए, जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो स्नान करने के लिए, और साथ में माँ गंगा के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हर की पेड़ी आए हैं। जैसे भी चलते हुए देख सकते हैं, इस तरह से कार्य होते हैं जब जल सूख जाता है हर की पेड़ी का। ये देख सकते हैं और भी मजदूर दिख रहे होंगे आपको कार्य करते हुए, और ये सामने से भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन हो रहे होंगे, जो विशाल प्रतिमा है। तो सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव करते जाइएगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, वहाँ से दर्शन कराते हैं आपको माँ गंगा के। इस बैराज से तो रोक लिया जाता है, आगे की तरफ जहाँ नील धारा है वहाँ जल छोड़ दिया जाता है। यहाँ हर की पौड़ी के लिए इस बैराज के लिए रोक लिया जाता है, और ये दूसरे बैराज के लिए जल सारा छोड़ दिया जाता है, जितना भी दिख रहा होगा आपको। जहाँ पे चंडीघाट का पुल है, चंडीघाट है, उस तरफ ये सारा जल छोड़ दिया जाता है। तो चलते हैं थोड़ा आगे से दर्शन कराते हैं माँ गंगा के ऊपर की तरफ से, जहाँ से गंगा जल को आगे की तरफ प्रवाहित किया जाता है। ये वो बैराज है, देख सकते हैं कितना लंबा है, लगभग 400 मीटर लगभग होगा, 300-400 मीटर लगभग इसका डिस्टेंस होगा, जैसे कि आपको ब्रिज से पता लग रहा होगा। यहाँ पे सारा जल छोड़ दिया जा रहा है जो ऋषिकेश से आता है आगे की तरफ, हरिद्वार से आगे की तरफ छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अभी आपको यहाँ का पूरा दिखाया है कैसे जल रोका जाता है भीमगोड़ा बैराज पे, हर की पीढ़ी में जो जल जाता है वहाँ का जल रोका जाता है, और कहाँ की तरफ जल छोड़ दिया जाता है अभी दिखाया मैंने। अब चल रहे हैं हम आपको हर की पेड़ी लेके, हर की पेड़ी में कितना जल है, कितने श्रद्धालु आए हैं आज, क्योंकि हल्का हल्का जल छोड़ा जा रहा है जिससे कि श्रद्धालु परेशान ना हो। तो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये सामने से कुछ ही व्यू देख रहे होंगे बैराज का, भीमगोड़ा बैराज का, और जब जल होता है इतना बहाव रहता है जल का, आप सोच नहीं सकते, काफ़ी बहाव रहता है जब जल छोड़ा जाता है हर की पेड़ी के घाटों के लिए। और यहीं से बड़ी धारा निकलती है माँ गंगा की इस बैराज से ही। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ स्वामी विवेकानंद पार्क में, बड़ा ही अच्छा और सुंदर पार्क है, और जहाँ पे आपको बड़ी से शिव जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ, दर्शन कराते हैं भगवान शिव के, और बाकी गार्डन दिखाते हैं कैसा गार्डन है। दोस्तों आप आराम से इस गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक करा सकते हैं, बहुत बढ़िया सा गार्डन है ये, और बाकी महादेव की प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं अच्छे से। अब दोस्तों चलते हैं आपको हर की पेड़ी लेके वहाँ के दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ शिव घाट पे, ये हर की पेड़ी के पास जो घाट है शिव घाट, वहाँ के दर्शन हो रहे होंगे। देख सकते हैं माँ गंगा की जो बड़ी धारा प्रवाहित होती है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। दोस्तों अभी मैं शिव सेतु पे आ चुका हूँ, काफ़ी श्रद्धालु देखने के लिए मिल रहे हैं। माँ गंगा की बड़ी धारा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ देख सकते हैं पूरी तरह जल सूख चुका है, और लेकिन हल्का हल्का जल प्रवाहित किया जा रहा है जिससे कि श्रद्धालु स्नान कर पाएँ, और आगे की तरफ धनुष सेतु के दर्शन हो रहे होंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ हर की पेड़ी के घाटों की तरफ। दोस्तों अभी मैं नाई घाट के पास आ चुका हूँ, और ये देख सकते हैं छोटी धारा में बिल्कुल ही कम कर रखा है जल, देख सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन छोड़ रखा था, परसों के दिन काफ़ी अच्छा जल छोड़ रखा था, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं स्नान के लिए, तो जल छोड़ रखा था। आज वापस से शनिवार के दिन 19 अक्टूबर के दिन जल सुखा दिया गया है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, और सामने नाई घाट के दर्शन हो रहे होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, हर की पेड़ी के प्रमुख घाट के दर्शन कराते हैं ब्रह्मकुंड घाट के, वहाँ दिखाएंगे आपको कितने श्रद्धालु हैं आज के दिन हैं। और इस रास्ते से जाते हुए आगे की तरफ, इधर रेलिंग नहीं है, तो आगे की तरफ जाते हुए और आगे की तरफ तक दिख रहे होंगे आपको श्रद्धालु,
स्नान करते हुए ये देख सकते हैं। और बहुत कम जल रहा है, डुबकी भी नहीं लग रही है, बस बैठ के स्नान कर रहे हैं और बाकी माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और ये सामने आपको ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन हो रहे होंगे, बड़ा ही प्रमुख घाट है हर की पेड़ी का, मुख्य घाट है सबसे, देख सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट के सामने आ चुका हूँ ठीक। और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कितने श्रद्धालु हैं अस्थि प्रवाह घाट में। थोड़ा जूम करते हैं, जल कम कर रखा है, डुबकी भी नहीं लगेगी, जल में बैठ के स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु लोग, इतना जल है जैसे कि दिख रहा होगा सामने आपको, बहुत ही कम जल कर रखा है आज। आज 19 अक्टूबर के दिन के दर्शन करा रहा हूँ मैं, सुबह सुबह 9 बज चुके हैं, सुबह सुबह के दर्शन है, ताज़ा दर्शन है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे श्रद्धालु की संख्या आज हर की पेड़ी के जो प्रमुख घाट है, मुख्य घाट है, देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हैं आज के दिन। माँ गंगा का जो टेम्पल है उनके दर्शन हो रहे होंगे, और देख सकते हैं यहाँ भी कितना कम जल है, श्रद्धालु सभी श्रद्धालु बैठ के स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितना कम जल है आज के दिन। और सभी भक्त कमेंट में हर हर गंगे लिखते जाइएगा और साथ में वीडियो को शेयर करते जाइएगा, जिससे कि सभी श्रद्धालु लोग हर की पेड़ी के दर्शन कर पाए। और देख सकते हैं महिला घाट बिल्कुल खाली है, दो चार लोग दिख रहे होंगे आपको स्नान करते हुए, और बिल्कुल पूरा खाली दिख रहा होगा। इधर की तरफ काफ़ी अच्छे श्रद्धालु हैं जो घंटाघर घाट है, और ये मालवे घाट की तरफ चलते हैं थोड़ा, आप जहाँ से बड़ी गंगा प्रवाहित होती है वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। ये वो जगह जहाँ से माँ गंगा की बड़ी धारा प्रवाहित होती है कि किस तरह से बैराज से जल रोका जाता है भीमगोड़ा बैराज से। और देख सकते हैं जो बाकी श्रद्धालु हैं आगे की तरफ थोड़ा जल और स्नान के लिए जाते हुए, बिल्कुल सूना सूना लगता है हर की पेड़ी, जैसे कि दिख रहा होगा बिल्कुल सूना लगता है जल रुकने के बाद, जल सुखाने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये माँ गंगा से ही हर की पेड़ी की रौनक है। और ये जल लगभग 10 दिन और सुखाया जाएगा, दिवाली के दिन जल वापस आ जाएगा हर की पेड़ी के घाटों पे। दोस्तों अभी मैं संजय पुल पर आ चुका हूँ और ये माँ गंगा के दर्शन के साथ वीडियो भी हम यही एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि सभी श्रद्धालु लोग दर्शन कर पाए माँ गंगा के। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे।